तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपना करंट डाइट, अभी मैं क्या खा रहा था। अभी मैं करंटली 2150 कैलोरीज के आसपास ले रहा हूँ और ये ऊपर नीचे होता रहता है। और हाँ, डाइट में मैंने खीरा भी इंक्लूड करा है, बट खीरा मैं काउंट नहीं करता हूँ, इसलिए खीरा मैं डिनर से पहले जस्ट खाता हूँ। तो वो क्लिप मैं आपको शायद ना दिखा पाया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था अपने आप को खीरा खाते हुए रिकॉर्ड करना, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए। और डाइट बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मैंने चीज़ें वो नहीं करी हैं, सिंपल और एक अफोर्डेबल डाइट कह सकते हो आप इसको, वो है ये। तो आप भी फॉलो कर सकते हो इससे रेफरेंस लेके। और एक वेजिटेरियन डाइट है, तो मैं वेजिटेरियन बंदा हूँ इसलिए मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ, सिंपली सी बात है। और अगर सीधी सी बात है, और यानी कि और मैक्रोस इसके आपको मैं शेयर कर ही दूंगा मील बाय मील साथ में। तो सुबह सुबह मैं पीता हूँ मॉर्निंग शेक, स्टैंडर्ड शेक जो सभी पीते हैं, सभी बॉडी बिल्डर्स पीते हैं, सभी जिम गोअर्स पीते हैं, ओट्स, पीनट बटर और वे प्रोटीन और बादाम भी डालता हूँ मैं इसमें। अभी कैलोरिक डेफिसिट में हूँ। अब कई लोग कहेंगे यार शेक मत पी कैलोरिक डेफिसिट में, मैं सुबह जिम करता हूँ बट मेरे को स्टमक पे थोड़ा ईजी रहता है, इसलिए एक डेढ़ घंटे में डाइजेस्ट भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे को शेक सही रहता है कम्फर्टेबल में, और मेरे को थोड़ा फीलिंग भी रखता है, ऐसी बात नहीं है। और पीनट बटर यहाँ पे मैं होल ट्रूथ का यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने अभी भी ट्राई करा था, कोई स्पॉन्सर नहीं है बट हाँ स्पॉन्सरशिप मिल भी जाए तो अच्छी बात ही है। और ये प्रोटीन यहाँ पे पूछेंगे कौन से ब्रांड का मैं यूज़ करता हूँ, तो भाई न्यूट्राबे का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, चॉकलेट फ्लेवर डाल रहा हूँ। और मैं अपने साथ हमेशा दो फ्लेवर रखता हूँ, क्योंकि कट पे थोड़ी क्रेविंग ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं एक एक केजी के दो बॉक्स मंगा के रखता हूँ। यहाँ पे आलमंड्स यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल कैलिफोर्निया आलमंड्स 8 ग्राम। और बस अब इसमें दूध डालूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग, और 250 ml के आसपास मैं इसमें शायद दूध डालूंगा। वैसे मैं 250 ml से नीचे ही रखता हूँ, इस शेक में थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था शायद, बट कोई दिक्कत नहीं, हम बाकी की डाइट में से एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेनली अपनी डाइट को ट्रैक करना होता है, अगर आप कोई भी कैलोरी डेफिसिट सरप्लस कुछ भी कर रहे हो, बस डाइट ट्रैक में आएगी आपकी तो आपको पता रहेगा हाँ भाई ये सब मैं खा रहा हूँ। और ये मैक्रोस जो हैं स्क्रीन पे मैं शेयर कर दूंगा। तो भाई ये शेक पी के बता रहा हूँ, लिटरली किसी को मीठे की क्रेविंग होगी तो वो ज़रूर हट जाएगी। और ये शेक पी के मैं जाऊँगा जिम, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा प्री वर्कआउट बनाता हूँ जिसमें पानी और कॉफ़ी डाल के और उसमें काला नमक, सेंधु नमक कह सकते हो, वो डालता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर पंप आए, ब्लड फ्लो अच्छा रहे। तो भाई वर्कआउट के बाद ये मील लेता हूँ मैं, दही, और दही में वे प्रोटीन मिक्स करता हूँ। दही मैं लो फैट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे घर का जमा हुआ दही है, जो घर पे दूध आता है लो फैट वाला उसी का ही मैं दही जमवाता हूँ घर पे, या जमा लेता हूँ खुद। और इसमें वे प्रोटीन मैं यूज़ करूँगा 15 ग्राम के आसपास, और 190 ग्राम या 200 ग्राम के आसपास दही होगा ये। तो ठीक है, वर्कआउट के बाद इतनी भूख नहीं लगती तो इसको ही मिक्स करके अच्छे से, कभी कभी इसमें मैं चिया सीड्स डाल देता हूँ अगर मैं रात को भिगो देता हूँ, इस पर रात को भिगोना भूल गया था चिया सीड्स, नहीं तो वैसे मैं जनरली इसमें डाल देता हूँ। तो ये मील मेरे को सही लगती है जिसमें मैं दूसरा फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ प्रोटीन का। मैं प्रोटीन कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, बट मैं एक जनरली आपको एक बता रहा हूँ कि आप कैसे अपनी मील्स बना सकते हो। और ये है मेरा लंच, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 44 ग्राम्स ऑफ सोया, और साथ में मैंने यहाँ पे लहसुन और ये दाल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, रेड लेंटिन या फिर इसे कह सकते हो आप मसूर दाल, या फिर आप कह सकते हो इसे। तो ये टोटल मैक्रोस नज़र आ जाएंगे आपको स्क्रीन पे, और मैंने कितना अमाउंट में क्या यूज़ किया वो मैंने डाल दिया। और मेरी ये डाइट ऐसी ही रहती है, मैं
मतलब ये वाली मील ऐसे ही रखता हूँ, दाल स्विच करता रहता हूँ, और कभी रोटी कभी राइस की जगह रोटी ले ली, या रोटी की जगह राइस ले लिए, और उसके बाद मैंने राइस भी लिए थे, और राइस मैंने कितनी क्वांटिटी में ली है वो मेंशन कर दिया ऑलरेडी मैंने। बट ये मील मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मेरे को इतना सोया का टेस्ट आता नहीं है, एज सच दाल सारा टेस्ट जो है कवर कर लेती है अपना, और इसके बाद तो मैं वैसे भी दाल राइस ही खाता हूँ नॉर्मल। बट यह है कि हाँ मैंने सब ट्रैक कर रखा है कितना क्या गया है इस दाल में, वो सब मेरे को पता है ऑलरेडी। अब इस मील के बाद मैं डायरेक्ट जो है डिनर ही करूँगा वैसे, पर बीच में मैं हो सकता है फ्रूट वगैरह खाऊँ कुछ भी, मतलब फ्रूट वगैरह कभी एप्पल हो गया या फिर तो भाई जो मैं खाता हूँ वही दिखा रहा हूँ जो मैं खाता हूँ वही दिखा रहा हूँ। ये एप्पल थोड़े से खा लिए, 105 ग्राम लिए थे। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट डिनर करूँगा, बीच में एक फ्रूट रखता हूँ मैं जब नॉर्मल डाइट, मतलब ऐसी कटिंग में भी रखता ही हूँ थोड़ा सा जब तक रख सकता हूँ। इसके बाद डिनर करूँगा और डिनर दिखाऊँगा मैं डिनर में क्या खाता हूँ और कैसे बनाता हूँ। तो ये है मील नंबर 4 या 5 ही होगी शायद, और यहाँ पे मैं पनीर ग्रेट कर रहा हूँ, 200 ग्राम पनीर एक ही बारी में ग्रेट करता हूँ, और मैं 200 ग्राम एक ही बारी में बनाता हूँ, और 100 ग्राम एक दिन खाता हूँ, 100 ग्राम अगले दिन खाता हूँ। ये घी ले लिया मैंने सबसे पहले कढ़ाई में, घी अदरक लहसुन इनकी कैलरीज मैं मेजर नहीं करता, एज सच नेग्लिजिबल अमाउंट में कैलरीज होती हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में कैलरीज होती हैं इनमें। और प्याज और टमाटर डालने के बाद बस इसको अच्छे से मैं घुमा देता हूँ, घुमाने ही कहेंगे पता नहीं, बट अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। उसके बाद मसाले वगैरह सब इसमें जो जो मेरे को सही लगते हैं मसाले मैं कम ही डालता हूँ, लाल मिर्च और हल्दी धनिया पाउडर बस ये डालता हूँ, नमक डालता हूँ, और उसके बाद मैं पनीर डाल रहा हूँ यहाँ पे। और पनीर के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया है, 20 ml के आसपास दूध मेरे को एक दिन पड़ेगा, 20 ml एक दिन पड़ेगा हाँ, और लो फैट दूध लिया है यहाँ पे मैंने, आप दूध अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी जाय कर सकते हो, और मेरा डिनर कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद साथ में 2 रोटी भी लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये है मेरी बिफोर बेड मील, ओट्स पीनट बटर 150 ml दूध और 15 ग्राम वे प्रोटीन्स में मैंने डाला है। ये मेरी लास्ट मील होती है, अब रात को कार्ब्स खाओ या ना खाओ, अगर आप इसी चक्कर में पड़े हुए अभी भी तो ये वीडियो मत ही देखो, और मैं रात को जनरली कार्ब्स खा के सोता हूँ क्योंकि मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। आप मैक्रोज अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। थैंक यू गाइस।